Chico! Zombor! Zombor! Marisa Chico! Zombor! Zombor! Marisa Chico! Zombor! Zombor! आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं आपके साथ बलवान सिंह ठाकुर। बीती रात एक दुखद हादसा जो है वो पेश आता है, जिस तरीके से एक 4 साल की बच्ची जो है जिसको जो है एक तेंदुआ जो है अपना शिकार बनाता है और तेंदुआ घर से उठा के ले जाता है और आज सुबह उसका शव जो है वो जंगल से मिलता है और उसके बाद उस शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल GMC उधमपुर में लाया जाता है और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम करने के बाद जो है दीपिका में लाया जाता है। लेकिन उसके परिजनों द्वारा जो है उस शव को जहाँ पर रोड को बंद करके जो है रोड पर रखे जो है उस लड़की का इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है और जहां पर नारेबाजी की जा रही है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर जो नेशनल हाईवे जो है वो उसको बंद करके जो उधमपुर जम्मू नेशनल हाईवे है उसको बंद करके जहां पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि उस बच्ची को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा रोड जो है वो बंद किया गया है और SHO रघुवीर चौधरी जी जहाँ पर पहुँचे हैं और उधमपुर पुलिस जो है मौके पर पहुँची है और उधमपुर के पूर्व विधायक पवन कुमार गुप्ता जी भी जहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन लोगों का आक्रोश जो है लड़की के परिजन जो है उनमें काफ़ी आक्रोश है और खुलकर जो है विरोध जहाँ पर किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, जिला प्रशासन के खिलाफ जहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और LG प्रशासन के खिलाफ भी जहाँ पर जो है नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर हम बात करने का जो है प्रयास करेंगे, हमारी बच्ची को, हमारी बच्ची को क्या मांग अभी है? हमारी मांग ये है कि हमें जो बच्ची को चीता ने खाया है हमें सूट एट साइड का ऑर्डर चाहिए, उससे कम हमें नहीं चाहिए। अगर बेल्ट लाइफ है उसको पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, हमें शूट एट साइड का ऑर्डर दीजिए। हमारे हम लोगों ने शाम के समय बाथरूम में जाना होता है, बच्ची को घर से उठा के ले गया, जहाँ तक ना कोई डिपार्टमेंट का कोई बेल्ट डिपार्टमेंट का लाइफ का कोई आया ना कोई दूसरा आया, हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? हमारे बुजुर्गों की रक्षा कौन करेगा? जो नौजवान होगा वो तो अपनी हिफाजत करेगा, मेरे जैसा बूढ़ा अपनी हिफाजत कैसे करेगा? हमने जंगल में जाना होता है, पशु जंगल में चराने होते हैं, हमारा काम है ही जंगल में, चीतों का कोई हिसाब नहीं है, इन्होंने छोड़ रखे हैं जो अभी भी विदेशों से ला रहे हैं, हमारे पास कम है। लेकिन लोग कम हो जाए, हमारे बच्चे नहीं रहे, इनको चीते चाहिए, वाइल्ड लाइफ वाले को चीते चाहिए। शेम शेम शेम, मनुष्यों की चिंता नहीं है, मनुष्यों की चिंता नहीं है, जानवरों की बहुत चिंता है। हम इनको भगाएं या मारे, हम पर FIR लगेगी, यहाँ चौधरी साहब सामने खड़े हैं, ये फट पकड़ के ले आएंगे। लेकिन मैं इनको सलूट करता हूँ कि जे कल वहाँ पहुँचे, इन्होंने अपना दम खम दिखाया। लेकिन वाइल्ड लाइफ वालों ने क्या एक पिंजरा पुराना खड़का हुआ पिंजरा वहाँ फेंक दिया, वो पिंजरा क्या करेगा? वो पिंजरा क्या करेगा? पिंजरे में चीता आगे बढ़ जाएगा, उसमें घुस जाएगा। हम यह चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, शूट एट साइड का हमें ऑर्डर चाहिए, शूट एट साइड का ऑर्डर चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं कहना। बंदा था, देखो जी, 450 बंदे के ऊपर SHO साहब बीच में थे और सबके सामने हमारे सबके ऊपर हमला किया उसने। क्या एक दो बंदा जंगल में जा सकता है? ये तो ठीक था, इनके साथ नफरी थी SHO साहब के साथ और जंगल से हमें बाहर निकाला, नहीं तो पता नहीं कितनी मिसहैपनिंग होनी थी उस जंगल में रात को। अब क्या डिमांड है? डिमांड सर हमें सीधा छूट का ऑर्डर मिलना चाहिए और इधर ही इसी जगह पर मिलना चाहिए, आज ही रिटर्न में, अभी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ऑर्डर मिलना चाहिए इन राइटिंग में। जे नहीं है, पहले पिछले दिनों चक्खड़ की भी अभी तक मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है, 3 महीने से इनके पास वाइल्ड लाइफ वालों के पास एप्लीकेशन गई है, अभी तक कोई जवाब नहीं है उसका। जी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है और बच्ची के जो परिजन हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है और जहां पर पूर्व विधायक जो पवन कुमार गुप्ता जी पहुंचे हैं वो उनके साथ हैं। सर जिस तरीके से एक दुखद समाचार जो है सामने आया अभी परिजनों में, देखिए बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो अपनी जिम्मेवारी से कतरा रहा है। पूरी स्टेट के अंदर में एक दो अफसर उठाए हैं, एक कोई कठुआ का है और एक इधर का है, ना तो वो कोई मौके पे आकर देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ को जो उनको प्रोटेक्ट करना करें, पर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं
वहाँ पर अब इन्होंने लीपर्ड जो चित्रे हैं उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। ये चौथा इंसिडेंट है पिछले 4 महीने के अंदर में। लोग त्रस्त हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की ओर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये वाइल्ड लाइफ वालों को मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने अपना डिपार्टमेंट बनाया है, इन्होंने क्या सेफ गार्ड्स लिए हैं लोगों को बचाने के लिए? हमारी औरतें जो हैं, बच्चे जो हैं, खुड़े जो हैं, जैसे महिंदर जी ने बताया कि जब वो घर के बाहर जाते हैं, इन्होंने ठीक कहा कि हमारे टॉयलेट जो हैं वो बिल्डिंगों के अंदर में नहीं है और इनके खेतों के पास में फसल लगी है, मक्की उगी हुई है, कोई बीच में छुपा हुआ है, तो ये किस प्रकार से अपनी रक्षा करेंगे? अगर ये मैन ईटर्स बन गए हैं, अगर ये लीपर्ड मैन ईटर बन गए हैं, ये मनुष्य पक्षी बन गए हैं, तो इनको शूट करने की परमिशन दी जाइए ताकि हम मैनकाइंड को बचा सकें। हम किसी के एनिमल के अगेंस्ट में कोई नहीं है, पर जब एनिमल अपने शिकार के लिए लोगों के घरों में घुसेगा और छोटे छोटे बच्चों पर अटैक करके उनको खाएगा या औरतों को खाएगा, तो नेचुरली उनको मारना पड़ेगा। ये एक लाइन है खींची हुई, वो अपनी जगह पे रहें, ये लोग अपनी जगह पे रहें। अगर वो इनके इलाके में इंट्रूड करते हैं तो इनको शूट करने की परमिशन होनी चाहिए, जब भी देखते हैं उसको मार दें। अदरवाइज़ ये तो इंसिडेंट 3 महीने के अंदर में 4 हुए हैं, जब मैं सोचता हूँ कि ये तो इंसिडेंट कितने हो जाएंगे। और लोग तो शाम को तो हमारी औरतें और बच्चे तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे वो? ये तो इस प्रकार के नरभक्षी जो चित्रे आ गए हैं, पहले तो वो खाते थे जानवरों को, अब वो जब इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ वालों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर वो इधर में अपना डिपार्टमेंट नहीं खोल सकते, अगर मैं पुलिस को बता रहा हूँ, ये कोई FIR रजिस्टर नहीं करेंगे किसी केस पे, हम मारेंगे उनको। और जब वार्निंग कर रहा हूँ मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये कोई तरीका खोला कि हमारे छोटे बच्चे 4 साल की, 2.5 साल की, चाहे 2.5-3 साल की बच्ची आ जाए, इसको उसने खा लिया, कौन इसकी भरपाई करेगा? कौन इसके नुकसान को भरेगा? कौन इसकी माँ को जाकर सारी उम्र के लिए उसको शूल लगा, इसके माँ बाप को, इसके रिश्तेदारों को? तो ऐसे जो चित्रे जो हैं, जिनको हम डोगरी में चित्रा बोलते हैं, लिपोर्ट्स को, तेंदुए जो हैं, इन तेंदुओं को मारने की हम ओपन बोल रहे हैं। अब मैं लोगों को बोलूँगा हम मारो, हम देखेंगे कौन आपको पकड़ता है। ये वाइल्ड लाइफ वाले, ये थोड़ा एक आदमी इधर नहीं है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जगह जगह पे इंक्लोजर बना दिए। अगर जगह पे इंक्लोजर बनाए तो भैया वहाँ उनकी मैनिंग के लिए तो कुछ करो, और इंसान से उनका फासला तो दूर रखो, और जंगलों के अंदर में जहाँ पर ये चीते रहते हैं वहाँ पर उनके लिए आप दूसरे जानवर जिनको वो खाकर पलते हैं उनकी वाली व्यवस्था करो, दूसरे जानवरों की आप आबादी को बढ़ाओ, ताकि ये जो एक कुदरत का जो नियम है वो सस्टेन हो। अगर वो इंसानों को अगर खाएंगे, नरभक्षी बनेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए मेरा ये मानना है कि जो इनकी डिमांड है बड़ी जायज़ डिमांड है, और ये वाइल्ड लाइफ वाले इनको गिनती करके पकड़ के ले जाएं, जहां मर्जी रखें, जहां इनको मारने की इजाज़त दें। हमें इन राइटिंग चाहिए, आज ही बात खत्म है, अपने बच्चे थोड़ी मरवाने रोज, हमें इन राइटिंग चाहिए तब उठेंगे हम, बस बात खत्म। हमें सहयोग मिला रात को, सर प्लीज हम सामने नहीं बोलते, जितनी हेल्प पुलिस ने की है हमारी, इतनी किसी डिपार्टमेंट ने की रात को। 7 बजे इंसिडेंट होता है, 10 बजे वहाँ पे SSO अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं, और हमें चाहिए इन राइटिंग एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा लिख के दे, जहाँ पे हम बंदा ट्वीट करेंगे अपना, वो इसको मारेगा। तब तक हम यहाँ से खड़े भी नहीं होंगे, एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक हफ्ते इन राइटिंग चाहिए हमें। बच्चे झूठे मारने के बाद, अगर ऐसे किसी ने मारने के बाद, तीन बार चित्रा फिर वहाँ आया, चीता वहाँ पाया, तीन बार आपके सामने की बात है, एक बार तो बच्ची को उठा के ले गया, मार गया, उसके बाद तीन बार फिर आया। आप ये बताएं कि हम करें क्या।